दोस्तों, इस मशीन के बारे में तो आपको पता ही होगा। काफ़ी सारे लोग इसे हॉट गन, काफ़ी सारे लोग इसे हीट गन भी कहते हैं। ज़्यादातर अगर मैं पूछूं तो इसका क्या काम होता है, तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करके ये कहेंगे कि इसका काम लेमिनेशन वगैरह फिक्स करने के काम पे आता है। बोले तो अगर किसी चीज़ में हमने लेमिनेशन करना है तो उसको लेमिनेशन की फिनिशिंग देने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसके इतने सारे फ़ायदे बताऊँगा कि आप वीडियो को लाइक करे बिना जाएंगे नहीं। ये मशीन हीट गन होने के साथ साथ एक यूनिवर्सल काम करती है। आपको आज मैं इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन फायदे बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ नहीं बल्कि 100% सीख कर ही जाएंगे। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमेशा लाने की कोशिश करता हूं, कुछ नई ट्रिक लगाने की कोशिश करता हूं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं। और इस टॉपिक पर वीडियो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल मत करें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी टिप्स ट्रिक्स आके आपको देता रहूँगा। साथ में इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि काफ़ी सारे लोग जो इसके सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानते उन्हें पता चल सके। और वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा लाइक एम का टारगेट रहेगा 500 लाइक का। मुझे पता है आप लोग ज़रूर रहेंगे क्योंकि यहाँ बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला काम तो इसका पता ही आपको, लेमिनेशन वगैरह का फिनिशिंग वगैरह देना। अब देखिए, वो चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सभी को पता है। पहला काम यहाँ पर देखिए, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं वो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। देखिए, सबसे पहला काम मैं बताऊँगा मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते समय अगर जैक वगैरह निकालने में आपको परेशानी रहती है आयरन से, जैसा कि आप यहाँ पर चार्जिंग जैक देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग चार्जिंग जैक को आयरन से भी निकालते हैं। देखिए, आयरन से तब निकालेंगे जब आपका हाथ बिल्कुल सेट हो। और इस जैक को निकालने की जो दूसरी ट्रिक रहती है, SMD मशीन, जो कि मेरे पास पड़ी है, आप सामने देख सकते हैं, इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, SMD मशीन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाती है, लेकिन हीट गन का प्राइस आपको 500 से 600 रुपये पड़ जाता है। इससे बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि आपको वीडियो में बताऊँगा। ज़्यादा बात ना करते हुए अब आपको बताऊँगा, इससे हम चार्जिंग जैक को आसानी से निकाल सकते हैं और किसी भी IC को, मोबाइल रिपेयरिंग में IC को निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर पर चलूँगा, फिलहाल मैं यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग की बात करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको जैक निकालना बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगा। उसके बाद कुछ PCBs और हैं मेरे पास, इसमें से IC निकालना भी आपको बताऊँगा। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जैक को निकालना है, यहाँ पर मैंने PCB स्टैंड में इसको फंसा लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेस्ट वगैरह इसके ऊपर रख लूँगा, नहीं भी रखते हैं तो भी काम चल जाएगा आपका, ज़रूरी कि आपने पेस्ट रख दिया। पेस्ट लगाने से थोड़ा सा आपका काम और जल्दी हो जाना है। अब यहाँ पर मैं हीट गन को ऑन करता हूँ। यहाँ पर दो स्विच दिए गए हैं, एक फास्ट एंड एक स्लो का। आप स्लो या फास्ट में इसको निकाल सकते हैं। इसमें से जो हवा आती है, जो गर्म हवा आती है, वो आपका किसी भी कंपोनेंट को निकालने के लिए काफ़ी होती है। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, इसके आगे एक नोज़ल आती है। नोज़ल है जो अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें, वैसे अगर इस कंपनी का आप परचेस करते हैं तो इसमें आपको नोज़ल वगैरह मिल जाएगी, नहीं है तो आप किसी का भी नोज़ल वगैरह, एक एलुमिनियम वगैरह का बना लीजिए या फिर आप स्टील का नोज़ल बना लीजिए। और अगर आप इस मशीन को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। पहले मैं स्लो में करता हूँ, अब फास्ट में भी करके कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको ऐसे पकड़ के मैं जैक के ऊपर लगा के रखता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं कितनी देर में जैक निकल के बाहर आ जाता है। सिर्फ आप फोकस जैक पर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हीट होना चालू हो गया है। चिमटी हाथ में ले लीजिए, सिर्फ जैक पे ही आपने फोकस करना है तो आपका देखिए जैक कुछ ही देर में निकल के बाहर आ जाएगा, कोई भी प्रिंट नहीं टूटेगा। इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, तो इसको चारों तरफ ऐसे घुमा लीजिए, इसको दोनों तीनों तरफ से आप घुमा लीजिए। उसके बाद आप जैक को चेक करते रहिए, अपनी जगह ये छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए एक मिनट निकल गया, थोड़ा सा हीट इस जगह पर ज़्यादा हो रहा है तो ये आसानी से निकल गया। और प्रिंट वगैरह आप देख सकते हैं, सारे के सारे प्रिंट हमारे साबुत हैं। चलिए मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि कितने देर में आपका निकल गया। आपने देखा ही होगा, बिल्कुल लाइव दिखाया था, कोई भी कटवट नहीं किया था। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कार्बन वगैरह है लेकिन प्रिंट कोई भी नहीं टूटा है। 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे प्रिंट यहाँ पर साबुत हैं। जैक निकालना बता दिया, SMD मशीन से भी ज़्यादा जल्दी है जैक को निकाल लेता है। इसमें इतनी अच्छी खासी हीट या फिर इतनी अच्छी खासी आप पावर कह सकते हैं। एक फ़ायदा आपको बता दिया, वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर एक IC को निकालना बताऊँगा।
जो आप मोबाइल रिपेयरिंग में आईसी वगैरह निकालते हैं ना एसएमडी मशीन से, इसका काम भी वही है। और इसके और भी ज़्यादा फायदे आप देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए आपको लाइव दिखा रहा हूँ, चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको आईसी निकालना सिखाऊंगा। यहाँ पर एक मिनट, इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट मैं लगा लेता हूँ ताकि आईसी थोड़ा सा जल्दी निकल जाए। और आईसी की आप देखेंगे, आईसी में कोई भी चीज़ बोले तो कोई भी इसके टांके वगैरह या फिर आप कह सकते हैं बॉल वगैरह टूटेंगी नहीं, बिल्कुल जैसे आप एसएमडी से फिक्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें काम होने वाला है। कोई भी यहाँ पर आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको लाइव दिखाऊंगा, कोई चीज़ यहाँ कट नहीं करूँगा। अब आप देख सकते हैं कितनी देर में है निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से दिखाऊँ तो लगभग 5 या 6 सेकेंड तो हो गए हैं। चलिए इसको मैं चिमटी की थोड़ा ग्रिप बना लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ये देखिएगा, एक मिनट, ऐसी हमारी निकल के बाहर आ चुकी है। इसकी बॉल, एक मिनट इसको ऑफ कर लूँ, इसकी बॉल आप देख लीजिए, इसकी कोई भी बॉल नहीं टूटी है। एक मिनट, थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब आपको दिखाऊँ तो इसमें देखिए, हाँ बॉल आपस में पिघल के एक दूसरे को सेट हो गई, लेकिन कोई भी इसमें प्रिंट या फिर ट्रैक नहीं टूटा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो दो फायदे आपने देख लिए। अब तीसरा फायदा, हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर चलेंगे। अब हम इसकी आईसी को निकालेंगे। यहाँ पर इसमें आईसी जो लगी हैं बहुत ही आसान तरीके से इसे निकलने वाली है। आप इस मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से जानते होंगे, इस सर्किट बोर्ड को अच्छी तरीके से जानते होंगे। जिन्हें पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोग इस मदरबोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चलिए कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो लाइक नहीं की तो कर लीजिए। अब यहाँ पर इन आईसीज को भी हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आईसी के साथ साथ आप कंपोनेंट्स को भी निकाल सकते हैं। आईसी को निकालने से पहले यहाँ पर इसमें आप पेस्ट लगा लीजिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पेस्ट लगाने से आपका काम और जल्दी हो जाता है, क्योंकि पेस्ट यहाँ पर हेल्प करता है इसको सोल्डरिंग या फिर डीसोल्डरिंग करने के। इसके निकालने के बहुत सारे ट्रिक मैंने बताई, इन आईसीज को निकालने के भी, बिना हीट गन बिना हॉट गन के निकालने के भी ट्रिक बताए हैं, आयरन से भी कैसे निकाल सकते हैं, वो वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको ज़रूर देखिए। थोड़ा सा बोलता ज़्यादा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे समझाने का तरीका भी थोड़ा सा मेरे टाइप का ही है। चलिए अब इस आईसी को हम निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि कितनी देर में आईसी निकल के हमारी यहाँ से साइड हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी। चलिए लगभग 6-7 सेकेंड तो हो ही चुके हैं। एक तरफ से हम उठाना चालू करेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसके जो प्रिंट वगैरह होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं। अब आप देख सकते हैं आईसी निकल के बाहर आ चुकी है। चलिए इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ अब आप देख सकते हैं इसके सारे के सारे प्रिंट साबुत हैं, कोई भी इसका ट्रैक या फिर प्रिंट नहीं टूटा है। देख लिया आपने, मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर आपको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तक बता दिया। अब इससे भी बड़ी वाली आईसी निकालना आपको बताऊंगा, वही एग्जांपल हम इसमें करेंगे, कोई बात नहीं, इसको नहीं हटाएंगे। फिलहाल आपको एक ट्रिक, मतलब मैंने एक आपको हिंट दे दी कि आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक में इसमें भी निकाल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम इससे थोड़े से बड़े सर्किट की आईसी निकालना। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अब हम इस सर्किट की ये वाली आईसी निकालेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हमने ये वाली, मैं सिर्फ आपको हिंट के तौर पर इस आईसी को निकालना बताऊँगा, लेकिन आप एग्ज़ाम्पल के लिए इससे बड़ी आईसी भी निकाल सकते हैं, 44-40 आईसी बोर्ड की भी आईसी निकाल सकते हैं। अगर आपको आयरन से भी या फिर डीसोल्डर वायर आपके पास नहीं, सॉरी डीसोल्डर विक आपके पास नहीं है, या आपके पास कोई भी 15-20-25-30 लैक की भी आईसी है, इससे ही आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान, जैसे मैंने बताया था। इस आईसी को निकालने की ट्रिक आपको बताता हूँ, इसके बाद एक और ट्रिक बताऊँगा आपको, वो ट्रिक शायद आपको पता नहीं होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए यार, इतना तो बनता ही बनता है यार, इतना नॉलेज आपको देते हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है, एक छोटा सा, बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इस आईसी को निकालने का जो तरीका रहेगा बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर मैं पीसीबी स्टैंड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पीसीबी स्टैंड में इसको फंसाता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैंने ले ली है और आईसी के यहाँ पर देखिए बीचों बीच फंसा लिया है, ताकि जब मैं आईसी को हीट करूँ तो थोड़ा सा मैं प्रेस करूँगा तो आईसी ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगी। देखिए यहाँ पर फंसा लिया इस तरीके से। आप किसी भी आईसी को निकालते हैं तो आप चिमटी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ लगा लीजिए, वैसे भी आईसी ऑटोमेटिक गिर ही जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी तरफ से भी मेहनत करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको फंसा लिया है और यहाँ पर इसको मैं हीट देना चालू करूँगा। एक मिनट, आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश भी करूँगा, वैसे आपको अब समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी दिखा लेंगे तो कोई वो नहीं रहेगा। चलिए
देखिए अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर ऐसी की लेग हैं आपकी, ये देख सकते हैं। बस ऐसी को नीचे से आपने थोड़ा सा दबाना है, बस इसको हीट करते जाना है। अब आप देखेंगे कितनी देर में ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक निकल के गिर जाएगी। इसमें थोड़ा सा, इसमें सोल्डरिंग थोड़ा सा भारी वाला है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन काम 100% बनना है। थोड़ा सा हाथ से छूट गया था, दोबारा इसको लगाऊंगा। ऐसी आपकी निकल के बाहर आ चुकी है, एक मिनट। हाँ ये ऐसी, चलिए मैं बंद कर लेता हूँ। थोड़ा सा गर्म हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी ऑटोमेटिक निकल के बाहर आ चुकी है। बस आप इसको आयरन से क्लीन कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपकी ऐसी भी निकल के बाहर आ चुकी है। बस यहाँ पर जो मैंने ग्रिप बनाई थी वो थोड़ा सा हट गई थी बीच में, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। अब यहाँ पर इसको ऐसी के साथ साथ आप ट्रांजिस्टर निकाल सकते हैं, ट्रांजिस्टर को तो आयरन से ही निकाल सकते हैं, लेकिन जो बड़ी ज़्यादा लैग वाली चीज़ें हैं उनको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं चलूँगा, नेक्स्ट ट्रिक इसकी बताऊँगा। आप LED बल्ब तो रिपेयर करते होंगे, नहीं करते हैं तो आप करना स्टार्ट कर लीजिए अगर आपने ये मशीन ले ली है तो। देखिए यहाँ पर देखिए इतनी सारी LEDs हैं, अगर एक LED फ्यूज हो जाती है तो सारी की सारी LED का जो है DOB है ये बंद हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक है इसको रिप्लेसमेंट करने की, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। इसके एक मोमबत्ती से या फिर गैस के ऊपर रखे इसको आप पिघला कर LED को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने हीट गन या फिर हॉट गन ले ली है तो अब मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ, सिर्फ इसी की मदद से मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर से हीट दूंगा, नहीं, इसको हीट हम नीचे से देंगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर से हीट देता हूँ तो LED जल के हमारी ख़राब हो सकती हैं या पिघल सकती हैं। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए एक मैं पुराने PCB स्टैंड को मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी चिमटी थोड़ा सा बाहर को है। अब यहाँ पर इसको फंसा लूँगा, मान लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बाहर को करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर, क्योंकि नीचे से हीट देना है तो खुली जगह से करूँगा मैं। देखिए अब खुली जगह से मैं हीट दूंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आप, अब आपको शायद क्लियरली दिख रहा होगा। मान लीजिए ये वाली LED ख़राब है, वैसे ख़राब जो थी साइड में थी वो उसमें मैंने जंप किया हुआ है। मान लीजिए ये ख़राब है, इसको निकालना है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको फंसा लिया, नीचे से मैंने, देखिए आपको दिख रहा होगा, हीट गन इसको मैंने लगा लिया है इसकी फोकस में। अब इसमें मैं इसको हीट देना चालू करूँगा। चलिए आप हीट अपने हिसाब से रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ देर में आप देखेंगे कि LED निकल के आपकी साइड में हो जाएगी। आप इसकी जगह पे दूसरी LED फिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिघलना चालू हो गई है, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। और ऊपर चेहरा मत लगाइएगा, ऊपर कोई चीज़ मत रखिएगा, जल सकता है, पिघल सकता है। तो ऐसे करके हीट करके आप IC को भी निकाल सकते हैं या फिर LED को भी हटा सकते हैं। ऐसे करके इनको जमा कर लीजिए एक जगह पर, आपकी ये बहुत सारी काम में आ जाएंगे, आपने देख लिया होगा। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, देख लिया होगा ये सारी की सारी जितनी LEDs हैं इनको मैं अपने पास में रख लेता हूँ, ये कभी ना कभी हमारे काम पे आएंगी। थोड़ा सा गर्म है, मेरा हाथ जल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जोर का तो नहीं लगा। अब इनको रख लूँगा मैं पास में, बाकी जो LED ख़राब होंगी उनको मैं यहाँ पर फिक्स कर लूँगा। देखिए पिघली नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से निकली हुई है, ये देखिएगा। इसमें आपको कैसे दिखाऊँ गौर से, हाँ आपको अब शायद दिख रहा होगा, पिघला नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से निकला है। इसको टेस्ट करके ही आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये टेस्ट कैसे होगा। यहाँ पर देखिए इसको टेस्ट करने का जो ट्रिक रहेगा, एक मिनट इसको यहाँ पर रख लूँ, और मल्टीमीटर का है मेरा, मल्टीमीटर एक मिनट। तो ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको मैं बजट की रेंज पे रख लेता हूँ, एक मिनट, थोड़ा मल्टीमीटर में भी प्रॉब्लम आ गया अपने। अब यहाँ पर इसको मैं चेक करवा के आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए एक मिनट, हाँ अब आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको अंधेरा करके दिखाऊंगा। हाँ ये देखिएगा, ये LED बिल्कुल ओके तरीके से बाहर निकले, कोई फ्यूज वगैरह नहीं हुई है। ऐसे ही हम इसकी LED को, इसकी IC को, इसके डायोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे आपको आज तक किसी ने बताए हैं तो ज़रूर बताइए, नहीं बताए तो कमेंट आपने ज़रूर करना है और लाइक करना ही करना है भाई, जब इतना सिखा रहा हूँ तो लाइक तो बनता ही यार। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मैं सिखाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ज़बरदस्त टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।